दोस्तों, जो सैमसंग गैलेक्सी A9 की टैबलेट है, उस टैबलेट में एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करें, इंस्टॉल कैसे करें, बहुत सारे भाइयों का कमेंट्स आ रहा है कि हमारे टैबलेट में जो है ऐप इंस्टॉल करने पर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, ऐप अनइंस्टॉल हो जा रहा है, तो इसका क्या सोल्यूशन होगा वो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ पे फिलहाल मेरे पास टैबलेट है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने टैबलेट के अंदर फिलहाल मैंने इसको काफ़ी यूज़ कर रखा है, इस वजह से इसका इंटरफेस काफ़ी चेंज हो चुका है। अगर आपका नया है तो उसमें थोड़ा सा आपका इंटरफेस जो है आप बार बार चेंज करोगे, थीम वगैरह हो, वॉलपेपर हो, तो हो जाएगा। अब आपका क्या करना है, प्ले स्टोर, बेसिकली आप में प्ले स्टोर से ही एप्लीकेशन लेने, दूसरा कोई भी एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र वगैरह नहीं चलाना है, प्ले स्टोर खोल लेना। अब यहाँ पे आप देखोगे प्ले स्टोर की आपको आईडी बनानी पड़ेगी, मेरा तो ऑलरेडी बहुत बार यूज़ हो चुका है, बहुत सारे एप्लीकेशन हमने ले रखे हैं। अब आपको क्या करना है, इसकी आईडी बना लेनी है। बहुत सारे लोगों ने को गूगल अकाउंट बनाना आता है या फिर काफ़ी सिंपल है, तो आप गूगल अकाउंट इसका बना लेना। अब गूगल अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या करना है, प्ले यहाँ पे सर्च बार पे जाकर आप जो एप्लीकेशन चाहे आपको ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक यूज़र ने हमें पबजी के बारे में कहा था, फ्री फायर के बारे में या फिर बैटल रॉयल के बारे में, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसमें दिक्कत ये होती है कि गेम तो एप्लीकेशन तो इंस्टॉल हो जाते हैं, लेकिन जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जा रहा है, ऑटोमेटिकली हट जा रहा है, तो इन केस में आप क्या करोगे। तो इसमें आपको दो चीज़ें करनी है, सबसे पहले सिस्टम या सॉफ्टवेयर का अपडेट आया हुआ हो तो चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत उससे भी आती है, तो सिस्टम अपडेट हुआ हो, हाल ही में कोई अपडेट आया हो तो वो चेक कर लेना। और उसके अलावा यहाँ पे अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो अपने टैबलेट को एक बार रिसेट कर देना, अपने टैब को एक बार पूरा तरीके से रिसेट कर देना, उसके बाद देखना आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। वीडियो यहाँ पे पसंद आती है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।